Hello everyone, this is a short video regarding steep correction, not really a steep correction which market witnessed in past few days. उसके बारे में ही थोड़ा बात करना चाहूंगा वीडियो में. बेसिकली जो फेडरल रिजर्व है, सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे हैव इंडिकेटेड दैट जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, जिससे इजी मनी, मनी एट लोअर इंटरेस्ट रेट, सो क्वांटिटेटिव ईजिंग भी बोलते हैं, जो अवेलेबल किया था ड्यूरिंग द पैंडेमिक टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, वो अभी उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं नवंबर के महीने से दे विल रिवर्स दैट इजी मनी. सो जो इन्वेस्टर्स को, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफआईआईस को, एफपीआईस को, जो पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल था, उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा फ्रॉम नवंबर. तो ये जो इवेंट है, ये फैक्टर इन किया है मार्केट में पिछले कुछ दिनों में. And we have seen a steep corrections in some of the mid caps and small cap stocks. Against that, large caps relatively performed well. तो factor in हो चुका है, and it's not जब तक ये pandemic है या ये जो concerns है economic revival के, तब तक quantitative easing या जो पैसा जो कम interest rate पे, we also call it ultra low interest rate. ये जो ultra low interest rate है, ये पिछले साल तो था, ये अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, और बढ़ने का forecast जो है वो उन्होंने कर दिया है कि अभी ये महीने से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि inflation भी हो रहा है, employment rate भी ठीक ठाक ही है, and now let's start increasing the rate of interest. यही चीज को थोड़ा factor in कर दिया है market ने दो तीन महीना पहले ही. And now it is very clear, and there is nothing to worry. इसमें कोई nothing to worry in a long term. In fact, even in medium term, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये एक factor ने थोड़ा market को पिछले कुछ दिनों में affect किया है. And apart from that, जो pharma stocks में भी थोड़ा correction आया है पिछले, मैं ये नहीं बोलूँगा कुछ दिनों में, but पिछले कुछ weeks में एक थोड़ा correction stocks में दिखा है. क्योंकि US generic market जो है, यूएस जेनेरिक्स, ये मार्केट में इन्वेंट्री बिल्टअप हो गया था COVID-19 के वजह से. सप्लायर्स ने इन्वेंट्री बिल्टअप किया था, बट अभी उन्होंने थोड़ा इन्वेंट्री खाली करना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा प्राइसिंग के ऊपर प्रेशर आ गया, एंड दैट समवेयर अफेक्टेड द रिजल्ट ऑल्सो फार्मा कंपनीज के. सो थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर है, और इन्वेंट्री बिल्टअप जो हुआ है उसको खाली करने का कोशिश किया जा रहा है यूएस में, तो प्राइसिंग प्रेशर थोड़ा कुछ और वीक्स शायद बना रहे, बट मे बी 3-4 मंथ्स एट द मैक्स. बट अगेन, दैट इज नॉट एनी स्ट्रक्चरल चेंज या कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, ये तो होते रहता है कम ज्यादा. इतना बड़ा पैंडेमिक आया तो दवाई का सप्लाई डिमांड में थोड़ा तो गैप आना ही है, कम ज्यादा होने ही वाला है, तो देयर इज नथिंग टू वरी. फार्मा स्टॉक्स ने थोड़ा करेक्शन दिया है. एक लैंड फार्मा जो ये चैनल पे डिस्कस किया गया है, एक ही फार्मा स्टॉक है, तो उसमें भी थोड़ा करेक्शन आया, बट दैट इज यू नो, देयर इज नो स्ट्रक्चरल या कुछ फंडामेंटल इश्यू नहीं है. इट इज अ मार्केट है, मार्केट में डिमांड सप्लाई चलते रहता है कम ज्यादा, नथिंग टू ऐसा स्ट्रक्चरली या फंडामेंटली कोई मार्केट में शिफ्ट हुआ नहीं है, तो दैट वॉज अ वन मोर थिंग. और एक ये जो FMCG कंपनीज के रिजल्ट आए जून क्वार्टर के, काफी अच्छे रिजल्ट है. FMCG में काफी अच्छा रिवाइवल दिखा है इंडिया में, एज कम्पेयर टू द पास्ट ईयर्स. दिस क्वार्टर अच्छा रिजल्ट दिया है, स्ट्रांग ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है. ये क्वार्टर में भी, जून क्वार्टर जो गया है, उसमें भी FMCG कंपनीज का, मतलब सेकेंड वेव था उसके बावजूद कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है. एंड FMCG का जो ग्रोथ है, ये काफी एक ब्रॉड बेस्ड यू नो इनकम है, या लोगों का कंजम्पशन पैटर्न है, उसमें कॉन्फिडेंस है, वो दिखा जाए, तो इस वजह से ये चैनल पे तो सिर्फ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यही स्टॉक डिस्कस किया गया है. स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, शायद पिछले एक दो वीक में कुछ 600 साढ़े 600 के रेंज से सीधा
830 840 तक चला गया, गुड स्टॉक बाय द वे, चैनल पे भी डिस्कस किया था काफी दिनों पहले। उसके अलावा भी बाकी एफएमसीजी कंपनीज के मेजर जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डाबर है, इनके भी रिजल्ट्स अच्छे है एंड इट शोज दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रांग मार्केट इन इंडिया, पर्टिकुलरली रूरल है, टीयर टू टीयर थ्री टाउन्स है, यहाँ पे काफी रिवाइवल ग्रोथ का दिखाई पड़ रहा है। बाकी भी ये चैनल पे ये पॉइंट काफी पहले भी डिस्कस हो चुके हैं एंड इस वजह से एफएमसीजी स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया इन पास्ट फ्यू वीक्स, मे बी दिस वीक आई वुड से, ये वीक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा एफएमसीजी स्टॉक का, बिकॉज इतना स्ट्रांग रिवाइवल ग्रोथ का इवन आफ्टर सेकेंड वेव इज इम्प्रेसिव, इट इंडिकेटिंग देर इज सम लॉन्ग टर्म स्ट्रांग ट्रेंड विच इज विजिबल। और जब कंजम्पशन होता है तो डेफिनेटली इनकम लेवल्स पे भी नजर जाती है, इनकम लेवल्स ये एरियाज में भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, स्टेबल है, लोगों ने खर्चा करना शुरू किया है, वो ये दिखाता है एफएमसीजी, और डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग है वो भी बढ़ रहा है एंड दैट इज वेरी गुड फॉर द मार्केट। ऐसा ब्रॉड बेस्ड अगर ग्रोथ दिखाई पड़ेगा तो इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्केट इन लॉन्ग टर्म। तो एक शॉर्ट अपडेट था जस्ट अबाउट व्हाट हैपेंड इन पास्ट फ्यू वीक्स इन द मार्केट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर इंटरेस्टिंग अपडेट्स, शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड रिलेटिव्स एंड लाइक माइंडेड लोगों के साथ। थैंक यू।